Mahesh. तो दोस्तों हमारे भारत में कई सारी फिल्म इंडस्ट्री है। अगर बात करें तो दोस्तों टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड और कई सारी फिल्म इंडस्ट्री हमारे बॉलीवुड के साथ में जुड़ी हुई है। पर दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पांच सुपरस्टार एक्शन हीरो की। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बताएंगे कि इन पांच में से किसने अपना नंबर एक पे लेके बैठा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नंबर पांच पे। तो दोस्तों हमारे नंबर पांच पे है यंग टाइगर यानी कि जूनियर एनटीआर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी एक्शन और फाइटिंग की तो ऑलरेडी ऑडियंस घायल हो ही चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये अपनी फिल्मों के अंदर एक से बढ़कर एक फाइट सीन लेके आते हैं और इनकी फिल्मों के अंदर दमदार डायलॉग भी होते हैं। वहीं पर दोस्तों ये जूनियर एनटीआर टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे सुपरस्टार है जिनकी एक साथ में पांच फिल्में सुपरहिट रही थी। और दोस्तों इसी के साथ में इनकी एक और न्यू फिल्म भी हम सबके बीच में आने वाली है जिसका नाम है RRR। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एस शंकर। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी के साथ में यह अपनी जगह बना पाए हैं नंबर पांच पे। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें नंबर चार की तो दोस्तों हमारे नंबर चार पे है रामचरण। जी हाँ दोस्तों, रामचरण जो कि काफी शानदार और दमदार एक्टर है। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत ही मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में थी। और दोस्तों इनकी पहली एक मगध हीरा ऐसी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार करा था टॉलीवुड में। और दोस्तों इसके बाद में इनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई और इनकी फीस भी बढ़ गई। और दोस्तों इसी के साथ में इन्होंने अपनी जगह बनाई है नंबर चार पे। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें नंबर तीन की तो दोस्तों हमारे टॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े हैंडसम बॉय, जी हाँ दोस्तों, महेश बाबू। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महेश बाबू जिनकी करियर की शुरुआत काफी शानदार शानदार फिल्मों से हुई थी। और दोस्तों महेश बाबू काफी शानदार एक्टर है और ये हम सबके लिए काफी यूनिक यूनिक और अलग अलग कंटेंट में फिल्में लेके आते हैं और इनकी फिल्में एक अलग ही लेवल की होती है। वहीं पर दोस्तों इनकी फैन फॉलोइंग टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों टॉलीवुड में जब इनकी फिल्में रिलीज होती है तो 100 करोड़ का आंकड़ा कुछ ही दिनों में पार कर लेती है। पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इनकी पकड़ या फिर यूं कहें कि फैन फॉलोइंग काफी कम है, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इनकी फिल्म इतना कारोबार नहीं कर पाती। पर दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं टॉलीवुड की तो टॉलीवुड में ये अपनी जगह बना पाए हैं नंबर तीन पे। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें नंबर दो की तो दोस्तों हमारे नंबर दो पे है सबके दिल की धड़कन, जी हां दोस्तों, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। वैसे तो दोस्तों अल्लू अर्जुन सर एक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर है, पर दोस्तों उनकी फैन फॉलोइंग टॉलीवुड के साथ साथ से कहीं ज्यादा बॉलीवुड में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी फिल्म ना इलू इंडिया ना पेरू सूर्या को 6 महीने बाद हिंदी वर्जन में रिलीज करा गया था हिंदी के बॉलीवुड सिनेमा घरों में। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी फिल्म ने 11 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करा था। और दोस्तों 11 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने के साथ साथ में इन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्में भी दी। और उसके बाद में दोस्तों इनकी सभी फिल्में सुपरहिट रही और इन्होंने अपने करियर में एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। और दोस्तों हाल ही में इनकी एक और न्यू फिल्म आने वाली है जिसका नाम है AA19। और दोस्तों जिस तरीके से उस फिल्म का बस बना हुआ है, क्रेज बना हुआ है, उससे कहना गलत नहीं होगा कि अल्लू अर्जुन वाकई में एक दमदार एक्टर है। और दोस्तों ये अपनी जगह बना पाए हैं नंबर दो पे। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें नंबर एक की तो दोस्तों हमारे नंबर एक पे है बॉलीवुड या फिर यूं कहें कि हमारे भारत के सबसे बड़े मेगा स्टार, क्योंकि दोस्तों इनके स्टारडम में इतना दमदार है, इतना शानदार है कि इनके फिल्म के रिव्यू इतने बेकार निकल के आए, उसके बाद में भी इनकी फिल्म ने मात्र इनकी फिल्म ने 2 से 3 दिन में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रभास सर की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रभास सर एक काफी जानदार और शानदार एक्टर है और जिनकी फिल्म बाहुबली 2 ने अभी तक हिंदी वर्जन में 511 करोड़ का आंकड़ा पार करके रखा है और उस फिल्म का आंकड़ा अभी तक उनकी फिल्म साहू भी नहीं तोड़ पाई। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रभास सर का स्टारडम काफी हाई लेवल का है और काफी ऊंचे लेवल का है।
और दोस्तों इसी के साथ में ये अपनी जगह बना पाए हैं नंबर एक पे। वैसे दोस्तों ये थे हमारे टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 5 सुपरस्टार। आपको इन 5 में से कौन सा सुपरस्टार पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जूनियर एनटीआर, रामचरण, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन या फिर प्रभास सर। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए मैं अलविदा चाहूंगा आप सभी से अपनी अगली वीडियो के लिए। दोस्तों ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।